ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप कहते हैं कि शक्ति आती नहीं है, या शक्ति बात नहीं करती, या आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पास कौन सी दिव्य शक्ति आ रही है। आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं कि किस तरीके से आप शक्ति से बात करेंगे, किस तरीके से आप शक्ति का पता करेंगे कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति की मेहरबानी है, कौन सी शक्ति आपके पास आ रही है या नहीं आ रही है, कितनी पावरफुल या कितनी परसेंट आपके पास शक्ति आ रही है। बहुत सारे साधकों को तो ये पता ही नहीं होता कि हमारे पास कौन सी दिव्य शक्ति आ रही है, और कुछ लोगों के, कुछ भक्तों के पास शक्ति आ तो रही है लेकिन उनको ये नहीं पता कि किसी ने शक्ति रोक दी है, या वो रुष्ट हो गई है, या क्या ऐसी गलती हो गई जिसके कारण पहले अनुभव हो रहे थे अब अनुभव नहीं हो पा रहे हैं। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं कि किस तरीके से आप शक्ति का पता करेंगे, किस तरीके से कि कौन सी शक्ति हमारी रुकी हुई है, या किसी ने बांध दी है, या हमारी कोई गलती हो गई है, या फिर शक्ति हमारे पास पूर्ण रूप से आई ही नहीं है। तो आप आज पूरी इंफॉर्मेशन आप किस तरीके से जान सकते हैं और अपनी शक्ति को खोल सकते हैं, इसी तरीके से किसी ने बांध दी हो, यह शक्ति पूर्ण रूप से आपके पास नहीं आ रही हो, रास्ता ना दे रही हो, खुलकर बोलती नहीं हो, आकर शरीर पर ना खेलती हो, तो ये आज प्रैक्टिकल तरीका मैं आपसे आपको बता दे रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट तरीका, और इसको एक बार अजमा कर आप देख लेना, बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है। लेकिन जिस तरीके से कह रहा हूं करना आप इसी तरीके से, तभी आपको इसका रिजल्ट मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। कोई भी साधक है इस प्रयोग को कर देख सकता है, बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अच्छा प्रयोग है। कैसे करना है देखो, इसके लिए आप कोई भी शुभ त्योहार, जैसे कि आगे दिवाली आ रही है, होली आती है, शिवरात्रि आती है, जन्माष्टमी आती है, नवरात्रि आते हैं, नौ के नौ दिन में किसी दिन भी कर सकते हो, गणेश चतुर्थी में कर सकते हो, दुर्गा अष्टमी में कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी शुभ दिन हो जिस दिन कोई त्योहार हो, अच्छा त्योहार हो, शुभ दिन हो, कोई भी शुभ दिन में आप इस कार्य को कर सकते हो। धनतेरस में कर लीजिए, या फिर पहले नवरात्रि से लेकर दिवाली तक के जो बीच का समय होता है, इसमें कभी भी आप कर सकते हैं। सभी दिन अच्छे होते हैं क्योंकि सभी दिनों में पूजा पाठ के कार्य स्टार्ट हो जाता है, पहले नवरात्रि से लेकर और दिवाली तक का लगातार पूजा पाठ के काम होता है, और दिवाली से एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद तक का तो जो 15 दिन का समय होता है वो पूरा टोटल पूजा को समर्पित होता है। उसमें आप कोई भी इस तरह की चीजें आप सिद्ध कर सकते हो, कभी भी इस कार्य को करके देख सकते हो। तो आपने करना है दिवाली की रात्रि में इसे कर सकते हो। आप करना क्या है, आपने दो दीपक आपने लेकर आ जाने हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए छोटे दीपक रखे हैं, आपको थोड़े बड़े दीपक लाने हैं, थोड़े बड़े दीपक आपको लेकर आने हैं, थोड़े बड़े दीपक जो आते हैं वो भी रखे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए छोटे दीपक रखे हैं। इन दोनों दीपक में आप बत्ती रखेंगे आप इसमें लंबी वाली, ऐसी खड़ी जोत नहीं, लंबी जो जोत होती है, इसमें आप लंबी बत्ती रखेंगे जो आगे निकल जाती है, चोंच से आगे निकल जाएगी, ऐसे दोनों में बत्ती रखेंगे। एक में आप तेल भरेंगे, एक में आप घी डालेंगे। ध्यान से समझना, तेल आप चमेली का या फिर तिल का तेल, उत्तम तो तिल का तेल ही होता है। यदि अगर आप हनुमान जी की आप सिद्धि करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी का आपको डाउट है कि हनुमान जी की कोई शक्ति मेरे पास है, तो आप चमेली का तेल डालेंगे, अन्यथा तिल का तेल सभी देवताओं के लिए आप तिल का तेल डाल दीजिए। घी में आप देसी घी इधर आप डाल लीजिए। दो दीपक आपके तैयार हो गए। ये कार्य आप अपने घर में पूजा स्थल पर कर सकते हैं या अन्य स्थान पर साफ स्वच्छ स्थान है वहां पर कर सकते हैं। पहले वहां पर साफ सुथरा आपको कर लेना है, झाड़ पुआर कर आप साफ सुथरा आप उसको पवित्र कर लीजिए। उसके बाद इस तरह के दो दीपक आपको तैयार कर लेने हैं। थोड़ी अंगारी आपको लेनी चाहिए। ये अंगारी आप समझ रहे हैं, गाय के उपले जो होते हैं उसको जलाकर उसकी जो आग तैयार होती है वो, ये धूप उठाने के लिए। परंतु सिटी में यदि आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप कपूर आप ले सकते हैं। कपूर आप पूजा की शॉप से जेम से कपूर आप लेकर आ जाइए तो कपूर से भी आप कर सकते हैं। तो आपने साफ स्वच्छ फ्रेश होकर आपने सामने एक नीचे जमीन पर आपने कपड़ा, इस तरह का कोई कपड़ा या आसन, आसन आसन बिछा कर आपको बैठ जाना है। साफ स्वच्छ वस्त्र आपको होने चाहिए, नहा धोकर फ्रेश होकर आपको ये कार्य करना। उस दिन ध्यान रखना मांस मदिरा आप बिल्कुल नहीं खाएंगे और भोजन भी हल्का भोजन ग्रहण करेंगे, ज्यादा भोजन नहीं करना, हल्का भोजन। और ध्यान रखना उस दिन आपको अलग से अकेले सोना है, आपको अकेले सोना है, चाहे तो पूजा कक्ष में सोए या अलग अदर्श जगह सोए, लेकिन अकेले सोना है। आपके आसपास आपके साथ नहीं कोई सोना चाहिए, मतलब आपकी बीवी आपके बच्चे आपके साथ नहीं सोने चाहिए, आप अलग सोने चाहिए, अलग सोए, कमरा भले एक हो लेकिन आप अकेले सोए, आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, शोर शराबा ना हो और समय से सो जाएं। एक लोटा जल आपको, इस तरह का लोटा जल, उसमें जल आपको भरकर रख लेना है। सर्वप्रथम आप जल लेंगे, वहां पर पवित्र करेंगे, वो पवित्र पवित्र वागर तुम्हें कुंड का सर्व मंत्र सूची या ओम है ओम गंगे ओम गंगे ओम गंगे बोलकर आप वहां पर पवित्र करेंगे। दो दीपक आपने इस तरीके से रख लेने हैं, और इस तरीके से चाहे तो आप अखबार की कटिंग करके रख लेना, चाहे इस तरीके से, ये तो लिफाफे हैं,
चाहे तो इस तरह से अखबार की कटिंग करके रख लेना, या फिर आप अपने पास दोने जो हलवा देने के दोने होते हैं वो दोने भी आप ले सकते हैं, दोने भी ठीक होते हैं, दोने भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ पेपर या दोने आपको अपने पास रख लेने हैं। आपने इसके सामने बिल्कुल दीपक के सामने, ठीक दीपक के सामने आपने यहां पर अगर आपके आप देवी शक्ति का आराधना करते हैं, किसी देवी शक्ति का आपको डाउट है, तो आप सात प्रकार की मिठाई आप यहां पर रखेंगे, सात प्रकार की मिठाई यहां पर रखेंगे और सात प्रकार की मिठाई आप इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर सात प्रकार की मिठाई। परंतु यदि आप किसी देवता की आपको डाउट है कि मेरे पास किसी देवता की शक्ति का असर है, तो आप यहां पर पांच लड्डू यहां और देवी का सारे का सात प्रकार की मिठाइयां, सात प्रकार की मिठाइयां इस तरीके से आप मिठाई रखेंगे। यहां पर ये भी आपकी मिठाई हो गई। यहां पर आप आग रखेंगे अंगारी, जिससे आपको धूप उठानी है। इसके अलावा जो दोने हैं, इन दोनों में आप कैसे रखेंगे, इन दोनों में सर्वप्रथम आप जल देवता, क्योंकि जल के द्वारा कोई भी शक्ति होती है जल पर रोकर जाती है, तो सर्वप्रथम आप जल देवता का ध्यान करेंगे। जल देवता का ओम जल देवताभ्यो नमो नमः, ओम श्री जल देवताभ्यो नमो नमः, किसी भी सागर जल का ध्यान करते हुए आपको जल देवता का ध्यान करना है। और यहाँ पर इस प्रकार जल एक दोना रखना है, उसके ऊपर आपने दो लड्डू या मिठाई कोई भी मिठाई ले लीजिए, दो पीस मिठाई के। मैं फिलहाल प्रैक्टिकल के पतासे आपको रख कर दिखा रहा हूँ, ये पतासे हैं, देखो ये पतासे हैं। और आपको इसके लिए मिठाई भी, आपको एक डेढ़ किलो मिठाई, आपको एक किलो लड्डू बगा आपको चाहिएंगे, तो आपने दो लड्डू इस प्रकार आपने जल देवता के नाम से रख देने हैं। फिर आप एक पत्ता और लेंगे या दोना, इसको रखेंगे, इस पर आप रखेंगे गांव का जो क्षेत्रपाल होता है, जिसको हम भगवान शिव का बड़ा पुत्र कार्तिकेय होता है, उसके नाम से दो मिठाई आप रखेंगे। इसी तरीके से दो मिठाई उनके नाम से आप इस प्रकार रखेंगे, दो मिठाई कार्तिकेय ध्यान करेंगे, ओम श्री क्षेत्रपालभ्यो नमः, ओम श्री क्षेत्रपालभ्यो नमः, ओम श्री क्षेत्रपालभ्यो नमः, या श्री कार्तिकेय जी महाराज, श्री कार्तिकेय जी महाराज के, ये क्षेत्रपाल नाम से आप दो पीस आप रखेंगे। इसके बाद आपने जो ये मिठाई रखी हुई है, ये किस किस की है आप ये समझ लीजिए। जो तेल का दीपक जलाया और देसी घी का दीपक जलाया है, इसमें जो आपके घर के कुल देवी है उसके नाम से आपने ये देसी घी का दीपक जलाया है, उसके नाम से आपने देसी घी का दीपक जलाया है, ये देसी घी का। तो ये जो देसी घी का दीपक है, इसके सामने आपने सात प्रकार की मिठाई रखी। अब सात मिठाई की, सात प्रकार की मिठाई रख सकते, तो केवल पांच प्रकार के लड्डू भी आप रख सकते हैं, चाहे देवता का आह्वान करें चाहे देवी का आह्वान करें, पांच प्रकार पांच पीस लड्डू के भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर पांच पीस लड्डू के आपने रख लेने हैं। ये जो तेल का दीपक है, इसका तिल के तेल का, ये सभी देवी देवताओं के लिए है। कोई भी देवी देवता जिसकी आप सिद्धि कर रहे हैं, चाहे भूत प्रेत जिन जिनात परि इत्यादि कुछ भी हो, सबके लिए तिल का तेल है। परंतु यदि हनुमान जी से संबंधित है, तो आप चमेली का तेल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसके सामने भी आपने पांच लड्डू आपने यहाँ पर रख लेने हैं, ये हो गया। इसके अलावा आपने आपके जो पितर हैं, आपके जो कुल देवता है, पितर हैं, ये कुल देवी का आ गया, ये देवता का आ गया, जिसका आप आह्वान कर रहे हैं, जिसकी आप शक्ति आपको डाउट है, जो भी शक्ति है, आप अज्ञात शक्ति के लिए भी कह सकते हैं कि जो भी मेरे पास शक्ति आ रही है उसके लिए ये भोग प्रसाद है। जो तेल का दीपक है उसके सामने, जो घी का दीपक है उसमें आपके कुल देवी या देवता का स्थान होगा, ये उसके नाम के हैं। इस पर दोनों पर आप यहां रखेंगे आपके जो पितर हैं, आपके जो पितर हैं, आपके जो पूर्वज रहे हैं, उनके नाम से दो पीस मिठाई के, कोई भी दो पीस मिठाई के, कोई भी हो मिठाई, दो पीस मिठाई के आप यहां पर रखेंगे। इसी प्रकार आपके कोई गुरु आपके रहे हैं, गुरु शरीर पूरा हो चुका है, उनके नाम से दो पीस मिठाई के आप यहां पर रखेंगे। इसी तरीके से आपके कोई भगत घर में रहा, कोई चाचा ताऊ इत्यादि रहा, उसके नाम से आप पितरों के नाम के उसके नाम से रखेंगे। अब ये तो हो गया, अब आती है मेन चीज, एक चीज जो मेरी इंपोर्टेंस है वो ये है कि ये आपका स्थान आ गया। इससे कहीं ये सामान कहीं का कहीं भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जिस तरह में रखो यही पर रखना, आपको दाएं बाएं कि जहां भी आपको व्यवस्था मिले वहां पर रख सकते हैं। बस ये दो चीज सामने रखे जाएंगे मेन चीज, बाकी अब ये कहीं भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मेन चीज है ये है कि आप ये पूजा किसकी करते हैं, आप जिसकी पूजा करते हैं, चाहे आप उसी का आह्वान कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन ये भी आपको अलग से रखना है। आप मान लिया भगवान शंकर की पूजा करते हैं, सत्य आपके पास हनुमान जी की आ रही है, तो जो भी देवी आपके इष्ट हैं, जिसको आप मानते हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनके नाम से आप यह भोग प्रसाद आप रखेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे इष्ट देव, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप कृपया कर जो भी शक्ति मेरे पास आ रही है उसका मुझे अवगत कराएं, या जिसने बांध दिए वो उस बांधने का खुलने का तरीका करें और वो खुल जाए शक्ति, उसे खुलने की कृपा करें, मैं उसका आज उसका आह्वान कर रहा हूँ।
या अन्य कोई शक्ति है तो जो भी शक्ति है आप मेरे पास शरीर पर आती है वो मुझे आकर रास्ता दे, मेरे जो भी समस्या है उसको त्रुटि को मुझे बताए ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं। तो ये थे बोलकर आपने अपने इष्ट देव प्रदान करना या अपने घर की कुल देव देवता है इत्यादि उनका ध्यान करके आपको रखना है या आपके जो भी आपके पितर इत्यादि है उनका ध्यान करके आपने रखना है। आपने अपने गुरु का ध्यान करना है, जो भी आपके गुरु है गुरु का आपने ध्यान करना है। अब ये दोनों दीपक आपको जला लेने हैं, दोनों दीपक जला लेने हैं। उनके सामने आपने अंगारी रख दी, आपने इधर आपने घी से छिटा देकर धूप जला लेने, इधर आपने तिल के या तिल के तेल से या चमेली का जो भी आपके ऊपर आपने रखा हुआ है उससे आपने धूप उठाकर ये दोनों दीपक जला देने हैं। ये जो मिठाई है इसमें से थोड़ी थोड़ी तोड़कर आपने यहाँ पर चढ़ा देनी है, थोड़ी थोड़ी तोड़कर यहाँ पर चढ़ा देनी है। और ये जो जल का लोटा आपके पास रखा हुआ इससे दोनों में आपने इस प्रकार जल का छिटा आपने दे देना है। थोड़ी देर बैठना है, उस अभ्यास शक्ति का ध्यान करना है कि जो भी शक्ति मेरे पास आ रही है कृपा कर मुझे आकर रास्ता दे, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ। जो भी शक्ति मेरे पास आ रही है आप आकर मुझे रास्ता दे, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ। थोड़ी देर ध्यान करना, यदि आपको पता है कि कौन सी शक्ति आपके पास आती है तो उसको याद करें, उसको बुलाएं कि मैंने आपके नाम का भोग दिया, आप आए मुझे आकर रास्ता दें। इस प्रकार आप प्रार्थना करें, 10-15-20 मिनट आप बैठकर ध्यान करें, उस शक्ति का आह्वान करें। ध्यान करना, ऐसे समय में आपका शरीर भारी होगा, आपके शरीर कंधे भारी हो जाएंगे, शरीर पर भारीपन महसूस देगा, आपको बहुत ज्यादा भारीपन महसूस देगा। रियल प्रैक्टिकल करके देख लेना आप ये चीजें, मैंने जिसको कराई है रियल बिल्कुल 101% गारंटी के साथ बिल्कुल रिजल्ट टॉप निकला है बिल्कुल। तो आप इस तरीके से करना, उसके बाद में आप यहां से उठें, हल्का भोजन करें, सीधा यहां से उठकर बाथरूम नहीं जाना। ध्यान रखना, ये गलती बहुत भगत करते हैं कि यहां से उठते ही साथ सीधे बाथरूम चले जाएंगे या टॉयलेट चले जाएंगे, लैट्रिन बाथरूम चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना। ये आपको ऐसी गलती नहीं करना, आपको उठना है, 10-15 मिनट आप भोजन करें या टहलें, उसके बाद आप हल्का बाथरूम इत्यादि कर सकते हैं, हल्का भोजन करें और सीधा आप सो जाएं। ये नहीं कि मोबाइल चला रहे हैं घंटों या मोबाइल टीवी देख रहे हैं, नहीं, आप सो जाएं बस, आप सो जाएं बस, इसके देर बाद आपको सो जाना है। रात्रि में आपको पूरी डिटेल पूरी पिक्चर वाइज आपको सबको दिखाई दे जाएगा, जो समस्या है वो आपको दिख जाएगी कि क्या समस्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी शक्ति मेरे पास आ रही है। जो सवाल आपने करके सोए थे वो सवाल का जवाब आपको 100% मिल जाएगा। ये शक्ति कहाँ रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है, कौन सी शक्ति आपके पास आ रही है, किस तरीके किस कमी के कारण शक्ति नहीं आ रही है, किस तरीके से आएगी, पूरी डिटेल उससे संबंधित जो पूछकर आप सोएंगे वो सभी आपको स्वप्न में आपको सब कुछ पता लग जाएगा, उस दिन सब बात आपको पता लग जाएगी। अब बात आती है कि अब इसका क्या किया जाए, सुबह के समय इस सामान का क्या किया जाए। तो ये सभी सामान आपने इसी तरीके से, ये दोना है या कागज है, यह कागज है तो इसको आप इसी प्रकार इस लिफाफे को इसके अंदर ही आप डालकर इस तरीके से लिफाफा खोले और इसको अंदर इसके अंदर डालकर इसको बंद कर दीजिए। इसी तरीके से ये सब ये उठाएं, इसको पकड़े और इसको भी इसी तरीके से डालकर बंद कर दें। इस तरीके से सारी मिठाइयां इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेनी है, आपका दोना है तो दोने में रखकर आपको फोल्ड कर लेनी है। ये सभी सामान आपको सुबह के समय किसी चलते हुए दरिया के पास जाना है और ये दीपक भी आपने उसी के किनारे आपको रख देनी है, ये रात भी आपको वहीं पर विसर्जन कर देनी है और ये सभी सामान वहां जाकर आपने इस तरीके से आपने निकालना है। कोई सा रल जाए, रलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसका तो कोई मतलब नहीं, सभी को खोलकर इसी तरीके से वापस आपको इसी तरीके से आपको खोल खोल कर वहां पर आपको रख देना है। ये सभी सामान आपको रख देना है और प्रार्थना करने की जल्दी था, आपका भी क्षेत्रपाल, आपका भी अग्राम, आप मेरी कुल देवी, आपका भी जो शक्ति आ रही है उसका भी, मेरे पितर जो है उनका भी, अब मेरे जो गुरु रहे हैं उनका भी, सभी के नाम का ये भोग प्रसाद मैंने यहाँ पर रख दिया, सभी अपना स्वीकार करें और मेरे ऊपर अनुकंपा करें। सुबह आपको ये कार्य करना है, बस ये कार्य आप कर लीजिए, फिर देखिए आप चमत्कार, आपको रात्रि में ही सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा। पहली रात्रि में पूरा नहीं दिखाई देगा तो अगले दिन दिखाई देगा, उससे अगले दिन दिखाई देगा, 2-3 दिन के अंदर आपको पूरी डिटेल दिखाई दी जाएगी, लेकिन पहले दिन ही दिखेगी, दूसरे दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले दिन ही दिखेगी। दूसरे दिन कर रहा हूं कि यदि पूरा सपन नहीं हो पाया तो अगले दिन दिखेगा, मैंने किसी रात को उठा दिया है या नींद खुल गई, पूरा सपन नहीं दिख पाए तो अगले दिन दिख जाएगा बाकी सपन, लेकिन पहली रात ही जिस रात आप ये करोगे उसी रात आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्या प्रयोग है, आप इसको करके देखें, रिजल्ट 101% है। सभी भक्तों को जय श्री राम।